so often, because Radhanath Maharaj is hardly here and it didn't collide when I'm here, Maharaj was here, I didn't happen to be here. Or when I came here, Radhanath Maharaj was not here, so I was not feeling inspired to come that way. So anyway, I'm very happy to be here, to be with you all. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Jashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Jamuna Tira Banachari. Jamuna Tira Banachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Jashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Jamuna Tira Banachari. Jamuna Tira Banachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakacharya Ashtottara Shato Shri Srimad Abhay Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Prabhupad Ki Jai Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gopinath ki, Shri Shri Gaur Nithai ki jai,
श्री श्री गिरिधारी गोपाल की जय। समवेत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगो, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिश्रुतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नरञ्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके। श्रीमद्भागवतम 11th canto chapter 20 11वां स्कंद। This chapter is entitled as pure devotional service. अध्याय Text 24 भक्ति जमादि भीर जो उसका एक श्लोक नंबर है 24वां। ममाचोपासनादीर्वा नानैर् योगं स्मरेन् मनः यमाधिभिर्योगपतेर् अन्निक्षाचाय वित्तया ममोर्षोपोक्षणाभिर्वा नानैर्योगं स्मरेन् मनः यमादिभिर्योगपतेर् अन्निशिक्षाय विद्यया। ममोपासनाभिर्वा नान्य योग्यं स्मरेन् मनः यमाद्भिर्योगपतेर् अन्विक्षिल्
विद्या च विद्यया ममर्चोपासनाभिर्वा नान्यैर्योग्यं स्मरन् मनः यमाधिभिर्योगपतेर् आन्विक्षिल्त्या च विद्यया ममार्चोपासनाद्दीर्वा नान्यैर्योग्यं स्मरन् मनः। माताजी, यमादिभिर्योगपतेर् अनिवीक्षक्या च विद्यया ममर्चोपासनाद्भिर्वा नान्यैर्योग्यं स्मरेन्मनः। यमादिभिः पूरी तरह से नियमों का पालन करते हुए योगपतेर जो योगा सिस्टम के जो भी विधि विधान है, अनविक्षिक्या जो सिद्धांत के अनुसार छ और विद्याया आध्यात्मिक ज्ञान से ममो मेरे अर्चा पूजा उपासनादि अलग अलग गुणगान से व और ना कभी भी नहीं अन्य दूसरे मार्ग से योग्यम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो इसके ऊपर हम स्मरण कर सकते हैं, ध्यान लगाते हैं, स्मरण इनके ऊपर केंद्रित करना है। मनः मन को, अनुवाद अलग अलग जो विधि विधान है, जो शुद्धिकरण के जो मार्ग है योगा योग पद्धति के, अलग अलग जो आध्यात्मिक ज्ञान से या जो व्यक्ति जो है हमेशा गुणगान मेरा करता है वो पूरी तरह से मेरे स्मरण में नित्य निरंतर मन को लगाना चाहिए, वही जीवन का उद्देश्य है। दूसरा कोई जो है उद्देश्य नहीं है इसका। आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं, अलग अलग विधि विधानों से और जो शुद्धिकरण के पद्धति है योगा पद्धति का, ज्ञान से और ज्ञान से जो अलग अलग मार्ग है पूजा करने का या मेरा गुणगान का, उसमें व्यक्ति को पूरी तरह से उनके मन को जो है भगवान का स्मरण में जो है बिताना चाहिए, वही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और इसके सिवाय दूसरा कोई उसमें उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तात्पर्य इस प्रकार है, इसमें जो शब्द है वह उसका महत्वपूर्ण ये है कि भगवान का गुणगान करना जो है उससे हमें अपने आप को ज़्यादा तकलीफ नहीं देना है। अलग अलग जो वेदों का जो पद्धति है शुद्धिकरण का, उससे या अलग अलग ध्यान मार्ग को अपना कर, और जो ध्यान लगाने योग्य तो केवल भगवान स्वयं है जो पूर्ण पुरुषोत्तम है। जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान का पूजा अर्चना में संलग्न हो जाता है उनको ये अलग अलग योग पद्धति का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान के जो पद्धति है उस पर निर्भर रहता है जो परम सिद्धि को प्राप्त करा देता है। नान्य योगं स्मरेन् नमः। तो
अलग अलग जो भी पद्धति है शुद्धिकरण का, जो ज्ञान मार्ग है या ध्यान मार्ग है, उनसे जो है जो भी है मेरे गुणगान के लिए, व्यक्ति जो है पूरी तरह से एकाग्रता से अपने मन को मेरे मेरे भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। इसके अलावा योगा पद्धति का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो कृष्ण उद्धव को यहाँ पर बता रहे हैं, उद्धव को पता चला कि अभी कृष्ण जो है अपनी जो है लीलाएं समाप्त करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको भी कृष्ण के साथ जाना है, लेकिन कृष्ण ने उनको मना किया। उनको कहा कि नहीं, आपको यही रहना है इस पृथ्वी के ऊपर, और कृष्ण ने उनको बताया उद्धव को, और वो जो उपदेश है वो ये 11वां स्कंद में भागवतम के उसमें बताया गया, जिसमें उद्धव गीता उसका जिसका नाम है। भगवद गीता जो है वो अर्जुन के लिए जो कृष्ण ने बोला था, उसी प्रकार वहाँ पर यहाँ पर उद्धव गीता भी ऐसे और एक गीता है जो भ्रमर गीता है। और ठीक है, तो ऐसे अलग अलग गीता है, और ये गीता जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है इसमें, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण जो है धीरे धीरे उद्धव को समझा रहे हैं कि जो परम सिद्धि क्या है। और इस अध्याय जिसका नाम है शुद्ध भक्ति, और समय समय पर ये वेदों में बताया जाता है वही बात को। वेदों का मुख्य उद्देश्य है क्या है? वेद से सर्वे अहम हेव विद्यो, सारे वेदों से मुझे जानना है, कृष्ण को जानना है। और कृष्ण को जब समझेंगे तो वही हम उस मुद्दे पर आ जाएंगे कि भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है। केवल कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और बाकी सब उनके सेवक हैं, और सेवकों का जो मुख्य कार्य है कि उनकी सेवा करना। और सेवा क्या है? बाकी कुछ नहीं बल्कि अपने प्रेम को प्रकट करना। तो हर एक व्यक्ति का मुख्य कार्य यही है कि वो भगवान के इस प्रेममय सेवा में संलग्न हो, क्योंकि शुद्ध जो है प्रेम है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। और इस श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि जो अलग अलग पद्धति है वो सब जो है इसमें ही आ जाते हैं, कर्म और ज्ञान। लेकिन शुद्ध भक्ति जो है वो ज्ञान और कर्म से पूरी तरह से, या उनका जो आवरण से पूरी तरह से मुक्त है, ज्ञान और कर्म के आवरण से मुक्त है। अन्याभिलाषिता शून्यम, इसके अलावा भगवान की सेवा के सिवा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। और ज्ञान कर्मादि अनावृतम, दूसरा कोई इच्छा नहीं, ज्ञान और कर्म। कर्म मतलब क्या है? हमारी जो कार्य है, जो शरीर जो काम करता है, कार्य करता है, उसके अलग अलग कार्य जो है वो कर्म है। और शरीर का जो इच्छा क्या होता है? हमेशा आनंद प्राप्त करना, और इस तरह से वो कार्य करता है कि उसको आनंद मिले, उसको सुख मिले। तो उद्देश्य को प्राप्त करना जो है मुख्य उद्देश्य नहीं होता है यहाँ पर,
कोई सोच सकता है कि अगर पैसा प्राप्त करना वो हमारा उद्देश्य हो सकता है, और इसलिए वो क्या करता है कि वो एक बैंक में चोरी करता है और उसको पकड़ा जाता है और वो पैसा मिलता है लेकिन वो उसका आनंद नहीं ले पाता। तो कर्मकांड जो वेद जो भाग है वेदों का, तो वो ऐसे कुछ बताता है कि उनको लगता है कि बस अगर इच्छा पूर्ण हो जाए तो आनंद मिलेगा, है ना। और अगर कोई व्यक्ति बड़ा धनवान बनना है तो वो अगर उसको बोला बताया जाता है कि ये कार्य करो तो आप रिच आप जो है धनवान बन सकते हो, अगर ये कार्य करो तो आप जो है प्रसिद्धि को प्राप्त कर सकते हो, तो एक बार था अगर समझो नहीं, अगर आपको लगेगा कि आप पूरा राजा बनना चाहते पूरे जगत का, तो वो भी अगर आप ये कार्य करो तो आप जो है राजा बन सकते हो। तो अगर आप पूरे जगत मतलब पूरे पृथ्वी के अगर राजा से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप ये यज्ञ करो तो आप जो है इंद्र बन सकते हो, पूरे मतलब स्वर्ग का राजा बन सकते हो। तो इस तरह से अलग अलग जो है स्तर, जैसे ब्रह्मा का स्तर है तो उसको भी प्राप्त कर सकते हो अलग अलग कार्य करके। लेकिन आप कितना ही आनंद लो या कितना भी आनंद लेने का प्रयास करो, आपको साक्षात्कार होगा कि ये जो है अस्थाई हो। जो इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो समझ सकता है कि चाहे कितना ही प्रयास करो लेकिन वो अंततः दुख ही देता है। इसीलिए वो व्यक्ति जो बुद्धिमान होता है वो सोचता है कि क्यों मुझे दुख आ रहा है, तो उससे क्या होता है वो ज्ञान कांड में प्रवेश करता है। फिर वो सोचने लगता है, वो समझ लेता है कि अरे ये तो जगह दुखों से भरा हुआ है, दुखालय मशास्वरम, हाँ तो कैसे मैं यहाँ पर आनंद ले सकता हूँ। यहाँ पर कोई भी जो है आनंद जो है वो यहाँ पर है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर दुख है और इससे बाहर निकलना है। तो इस तरह से कर्म से जो है क्या होता है भुक्ति प्राप्त होती है, यानी कि आनंद प्राप्त करने का, और ज्ञान जो क्या क्या करता है हमें मुक्ति तक लेकर जाता है। तो अगर आप मुक्त भी हो जाओ तो भी फिर भी आप जो है आप कार्य करते हो और उससे आप जो है भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। तो भुक्ति मुक्ति फिर भक्ति, ये तीन है। जब आप जेल से बाहर निकलोगे, या जेल से बाहर निकलना वही एक मतलब मुख्य उद्देश्य नहीं है। जेल से तो आप दो तरीके से बाहर निकल सकते हो, एक तो जो आप जो है एक जो है अंदर से एक टनल बना सकते हो और उसमें से बाहर निकल सकते हो चुपके से, लेकिन वो आप जो है जब आप बाहर निकलोगे इस तरह से तो पुलिस जो है आपके पीछे रहेगी और आपको छुपना पड़ेगा और चाहे जंगल में जाना पड़ेगा, ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ से आप लोगों से दूर रहना पड़ेगा, शायद आपको खाने को नहीं मिलेगा ना सोने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर समझो आप जेल के अंदर ही है तो कम से कम आपको तो खाने को तो मिलता है और सोने को तो मिलता है उसमें, लेकिन वो बाहर निकलने के बाद इस तरह से तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा उल्टा। तो ये जो है नकारात्मक मुक्ति है ये, लेकिन एक सकारात्मक मुक्ति भी हो सकता है। वो क्या है जो भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उस मुक्ति से आप बाहर से निकल सकते हैं या तो वो टनल बनाकर नीचे से, हाँ लेकिन वो सही जो है पद्धति नहीं है,
तो अगर जेल से अगर बाहर निकलना है तो पहले आपको ये जानना होगा कि आपको जेल के अंदर क्यों डाला गया है। तो आपको पता चलेगा कि आपने जो है सरकार के नियमों को तोड़ा है, इसलिए तो आप फिर सोचेंगे कि कैसे मैं बाहर निकलूंगा। तो आपको पहले पता चलेगा कि आपने कुछ अपराध किया है जिसके वजह से आप जेल में हैं, है ना। जो भी वहाँ के नियम है उसको तोड़ा है। तो आपको समझ में आएगा कि जो है क्या कारण है जिसके वजह से आप जेल में हैं। फिर आप एक जो है पत्र लिखते हैं राजा को कि मैं अच्छी तरह से व्यवहार करूँगा और मैं अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करूँगा, जिस तरह से आप जो है राजा को। फिर उसके बाद राजा जो है वो जो जेलर होता है जेल के, उनको बता दे कि इनके ऊपर ज़रा नज़र रखो, क्या वो सुधर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से जो है वो सुधारने लगता है फिर, और उनको पूरी तरह से उनको उनका देख रेख उनको देखा जाता है कि वो सही में सुधर रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद वो पूरी तरह से जो है वो सुधर जाता है, और वो जो है उनको जो है थोड़ा सा उनको अच्छी तरह से जेल में जेलर भी ट्रीटमेंट देते हैं, और उस तरह से वो अलग अलग जेल के खाने में जाता है और बताता है लोगों को कि देखो मैंने राजा का नियमों का पालन कर रहा हूँ और इसलिए मैं मुक्त हूँ। आप लोग भी अगर नियमों का पालन करोगे तो आप भी मुक्त हो सकते हो। तो इस तरह से वो लोगों को भी बताता है, और अंततः वो समझ में आता है राजा को कि ये अभी जो है अच्छा सेवक बन गया है। तो उनको जेल के अंदर से वो अपने राजमहल में बुला लेता है। फिर इस तरह से वो राजा के साथ रहने लगता है। तो इस कथा से हम देख सकते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये भी एक जेल है। तो हम भी भगवान के नियमों को तोड़ा है ना? भगवान को स्वीकार नहीं किया है, जिसकी वजह से हमको यहाँ जो जेल में फंसना पड़ा, आना पड़ा। तो कभी कभी हम जो है एक मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, उसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। मतलब सायुज्य मुक्ति मतलब आप उसमें लीन हो जाते हैं भगवान में, भगवान के प्रकाश में। लेकिन वो जो है नकारात्मक मुक्ति है। लेकिन जो सकारात्मक मुक्ति जो है वो क्या है, वो भगवान को समर्पित होना, जैसे भगवान कहते हैं है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो भगवान कहते हैं कि मुझे मुझे समर्पित हो जाओ, बस आप डरो मत, मैं आपका सारे पापों को नष्ट कर देता हूँ। तो जो व्यक्ति समर्पित हो जाता है तो जो जो जेल का जो अधिकारी होते हैं, जो जैसे माया इस भगवती जगत का, हाँ, दुर्गा देवी, वो जो है हमें अलग ढंग से जो है हमारे साथ वो जो है आदान प्रदान करती है, और उनको जो व्यक्ति को जो है वो और भी ज़्यादा जो है फैसिलिटी दिया जाता है, हाँ, जेल के अंदर रहकर भी उनको जो है अलग तरीके से उनका देख रेख किया जाता है। और जब वो समर्पित होने लगता है तो दूसरों को भी बोलता है फिर जेल में कि आप लोग भी क्यों समर्पित नहीं होते, है ना, जैसे भौतिक जगत में। और इस तरह से भौतिक जगत में वो प्रचार करता है, और अंततः वैकुंठ से जो है विमान आता है उनको लेने के लिए। तो वो जो है हमें लाभ होता है भक्ति का। तो वेदों में यही बताया गया है। तो उसमें वेदों में कर्मकांड ज्ञान कांड है, लेकिन वो आगे जाके जो मुख्य उद्देश्य है उस तक नहीं पहुंच रहे उधर। तो ये धीरे धीरे जो है व्यक्ति को एक स्तर से दूसरे स्तर पर लेकर जा रहा है वेदों में, लेकिन अंततः व्यक्ति को भक्तिमय सेवा में प्रविष्ट होना है।
कि कभी हमें सेवा क्यों करने, भक्ति में क्यों प्रविष्ट होना है, क्योंकि हम उनका जो है हम पार्षद है भगवान के। हमारा जो है उद्देश्य केवल यही है कि हम भगवान से सेवा करते रहे, उनसे अपना संबंध जुड़ा रहे। तो जैसे ये शरीर है, ये जो शरीर का ये जो उंगली है, ये शरीर का एक भाग है, तो अगर उसको काट दे तो वो रह नहीं सकता। उसी प्रकार अगर हम भगवान से अलग हो जाएंगे तो हम आनंद नहीं ले पाएंगे, जब तक भगवान से नहीं जुड़ेंगे। तो कृष्ण जो है ये पूर्ण आनंदमय है। जब हम उस आनंद से हम जुड़ जाते हैं तो हम भी जो है अपने आप आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। तो अलग से हमको आनंद प्राप्त करने की प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये भौतिक जगत में यही समस्या है कि हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि आध्यात्मिक उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं अपने आप से हम, हाँ, जिसके वजह से क्योंकि हम जो है अपना जो अस्तित्व है कि हम भगवान के सेवक है, पार्षद है, ये बोलकर हम अलग एक अपना अस्तित्व बनाते हैं, तो उसे कहते हैं वो नकारात्मक मुक्ति, और एक होना चाहते हैं। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम भगवान के सेवक हैं। तो हम आनंदमय है, चित्त सत है, चित्त है, आनंदमय है हम, हाँ। लेकिन वही आध्यात्मिक जो गुण है, ये सच्चित और आनंद, ये भौतिक जगत में हम प्रयत्न कर रहे हैं उनको पाने का, हाँ, अलग अलग ढंग से, लेकिन वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर उनको प्राप्त करना है, वो जो तरीका है वो है केवल हम अपने अपने जो आध्यात्मिक स्थिति है उसमें स्थिर रहकर ही हम कर सकते हैं। और वो कभी हम स्थिर हो जाएंगे उसमें अपने आध्यात्मिक परिस्थिति में, जब हम कृष्ण से अपना संबंध जोड़ेंगे। और वो तरीका है कि फिर से हम हमारा जो निजी स्वभाव है आध्यात्मिक का, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वेदों में भी बहुत सुंदर उदाहरण है। जैसे एक जो चिंगारी होता है अग्नि का, वो कैसा होता है, अग्नि से अलग नहीं होता, वो एक ही होता है ना, लेकिन ये छोटा सा चिंगारी है वो। लेकिन वही चिंगारी जब बाहर अग्नि से निकलता है तो उसके अंदर जो अग्नि के जो गुण है वो समाप्त हो जाते हैं। बाद में वो केवल जो है वो राख बन जाता है ना, जब वो, क्योंकि उसके अंदर अभी अग्नि नहीं होती, क्योंकि वो अलग हो गया है अग्नि से। अगर उनसे फिर से उसको अग्नि का अगर जो गुण है वो प्राप्त करना है तो फिर से अग्नि में जाना पड़ेगा, तभी वो अग्नि की तरह फिर प्रज्वलित हो जाएगा, है ना। तो जब वो करता है तो अपने आप ही वो पूरी तरह से चिंगारी अग्नि बन जाता है ना। तो लेकिन अग्नि वो अपने आप नहीं कर सकता है ना, वो जो चिंगारी, लेकिन जो जीव है वो कर सकता है, क्योंकि वो भी वैसे ही एक छोटा सा जो है चिंगारी है ना। जब वो भगवान से वो अलग हो जाता है तो वो उसके अंदर जो आध्यात्मिक जो गुण है वो समाप्त होते हैं। तो जब वो इस भौतिक जगत में गिर कर वो पूरी तरह से वो जो है बद्ध हो जाता है, भौतिक बन जाता है फिर, और अपने आप को वो शरीर समझने लगता है और उस स्तर पर वो कार्य करने लगता है। तो हमारा फिर हम यहाँ अनेक समस्याओं को जो है हम सामना करते रहते हैं। तो कैसे हम जो है ये परिस्थिति को सुधार सकते हैं, तो कृष्ण के पास जाकर, जो कि पूर्ण आध्यात्मिक व्यक्ति है, जब वो हम करेंगे, जब कृष्ण से संबंध जोड़ेंगे
तो फिर से हमारा जो आध्यात्मिक जो गुण है वो आ जाएगा, जो सच्चिदानंद मय स्वरूप है वो प्राप्त होता है। तो ये तरीका है, ये पद्धति है। तो केवल कृष्ण से संबंध जोड़ना है बस। और कैसे संबंध जोड़ना है अभी? हाँ, संबंध का मतलब कि उनसे अपना। और कैसे संबंध हम जोड़ सकते हैं? जब उस व्यक्ति के प्रति हमारा प्रेम होगा, है ना। प्रेम जो है वो संबंध को जोड़ता है, और द्वेष जो है वो संबंध को तोड़ता है। और जब हम प्रेम का संबंध जोड़ते हैं तो वही है भक्तिमय सेवा का मतलब। हर एक जीव जो है ये वो प्रेम उनके अंदर है, लेकिन उस प्रेम को वो अलग अलग जो भौतिक वस्तुओं के प्रति हम प्रकट कर रहे हैं, वो आनंद प्राप्त करने के पीछे रह जाकर, लेकिन वो अपनी भौतिक इच्छा अपनी जो है अपने को संतुष्टि प्रदान नहीं कर पा रही है। लेकिन प्रेम जब हम कृष्ण के ऊपर जो है करते हैं तो तभी जाके वो पूरी तरह से हमें संतुष्टि कर सकता है। तो ये अभी इस प्रेम को हम कैसे कर सकते हैं? हमें कुछ करना चाहिए कृष्ण के लिए, वो है भक्तिमय सेवा, है ना। तो ये जो है सारे वेदों का जो है अंतिम जो निष्कर्ष है। तो ये भगवद गीता में भी कृष्ण ने कर्म के बारे में भी बताया, ज्ञान के बारे में भी बताया, और अंततः वो ये बताया कि भक्ति ही अंतिम लक्ष्य है। तो यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं वो उद्धव से। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु का जो चर्चा रामानंद नायर से हुआ, वो भी ऐसे ही शुरू हुआ था। वह वर्णाश्रम से कर्म, कर्मयोग, कर्म संन्यास, ज्ञान। तो चैतन्य महाप्रभु एक के बाद एक सब जो है वो बोले कि नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सब रिजेक्ट किया। और अंततः जब भक्ति जो है उसको बोला हाँ यही है। तो इस तरह से तो हम देख सकते हैं कि सारे वेदों का जो निष्कर्ष है वो यही है कि तो वेद वेद भी सारे वेद यही बता रहे हैं कि जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो भगवान के प्रति भक्तिमय सेवा को अर्पण करना है। ये सब जो है हमें प्रभुपाद की कृपा से हमें प्राप्त हुआ, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो है ये पूरे जगत में अभी ये उपलब्ध है। तो प्रभुपाद ने ये इसको सबको उपलब्ध कराया, तो ये हमारा भाग्य है, हमारा सौभाग्य है। किसी न किसी तरह हम प्रभुपाद के इस आंदोलन से जुड़ गए, इस्कॉन से हम जुड़ गए हैं। और इस्कॉन से हम जो है प्रभुपाद के पुस्तक हमको मिले और ये सब मिला है। और इस तरह से हम जो है जब भक्तिमय सेवा का जो है हम अनुसरण करते हैं तो हम अनुभव भी कर रहे हैं कि हम पहले से हम सुखी है था, अभी हमारा जो है समस्याएं कम हो गई है पहले से, ये अनुभव करते हैं हम। और इतना सुंदर हमको जो है रुचि भक्ति में प्राप्त हुआ है, और पूरी तरह से हम भय से मुक्त हैं, है ना। तो ये है भक्ति का प्रभाव। जैसे हम जो जो है बीज रखते हैं यहाँ जमीन में, तो पहले क्या है उसमें से पत्ता निकलता है धीरे धीरे। तो फिर तो भक्ति लता से वैसे ही भक्ति का भी ये बीज जब वो बाहर निकलता है पौधे के रूप में, तो पहले जो है पत्ते निकलते हैं दो। एक तो क्लेशाग्नि, मतलब क्लेशाग्नि का मतलब कोई दुख नहीं है, अभी अभी कोई भौतिक दुख नहीं होगा। तो भक्ति जो है मतलब अपने आप जो है क्लेशाग्नि आ जाता है भक्ति से, अपने आप मतलब क्लेश जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, वो डे मतलब मृत्यु हो जाती है क्लेश का।
और सुबधा पूरी तरह से शुभ हो जाता है वात हमारा जीवन। और ये दो जो है उपलब्धियाँ शुरुआत में ही हमको भक्ति से मिल जाता है, और हम देख सकते हैं, आप अनुभव भी कर सकते हैं। और अब भक्ति कर रहे तो क्यों हमको मतलब दुख होना चाहिए, कष्ट आना चाहिए, नहीं आ सकते जब हम ये सब, जब हम वो स्वयं जो है हमारा जो है देखभाल करते हैं, फिर हमको कोई कष्ट आने की कोई समस्या ही नहीं, तो हमारा जीवन जो है पूरे जो है शुभ बन जाता है। क्लेशाग्नि शुभदा, ये दो तो शुरुआत में ही मिल जाते हैं। जब हम ऐसे भक्ति और आगे करते रहते हैं, मतलब ये भक्ति जो है ये ऐसा नहीं है कि हम आग बंद कर करते हैं, मतलब तो भक्ति के साथ साथ हमें जो उसका जो प्रतिक्रिया भी हमें प्राप्त होता रहता है, उससे ये सारी उपहार भी हमें मिलते रहते हैं, ये हम इसका अनुभव कर सकते हैं। दूसरे लोग इसको अनुभव नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो वो खुद जो है अनुभव कर सकता है। तो हम यहाँ पर सही जगह पे आए हैं, तो हमें अभी यहाँ पर हमें रहना है बस, और गारंटी है कि एक न एक दिन जो है हम जो है डायरेक्ट आध्यात्मिक जगत में पहुँच जाएंगे, आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में पहुंच जाएंगे। और ये चैतन्य महाप्रभु का एक दूसरा उपहार है हमारे लिए। उन्होंने जो सबसे श्रेष्ठ है वो चीज को, जो वैकुंठ से भी ऊपर है, उसको हमें दिया है। जो जो आध्यात्मिक का जो साधारण जो स्तर है उससे भी ऊपर है ये। और हम बृहद भागवतम में देख सकते हैं कि सनातन गोस्वामी वो बताते हैं कि गोप कुमार का जो प्रयाण है किस प्रकार वो वैकुंठ से भी आगे जाता है। तो उसी प्रकार जब हमको ये समझ में आता है कि क्यों, अगर हम सब जो वैकुंठ भी पहुंचे तो उसमें भी कोई मतलब त्रुटि नहीं है, तो अगर 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 लेकिन वैकुंठ में एक समस्या है कि हम वहाँ पर प्रचार नहीं कर सकते, है ना। वैकुंठ में जो रहते हैं वो गोलोक के बारे में, गोलोक में नहीं जा सकते वो लोग। तो ये हमारे लिए बड़ी भाग्य की बात है कि हम जो अगर गोलोक वृंदावन जाना है वैकुंठ के लोगों को, तो उनको अब पृथ्वी के ऊपर आना पड़ेगा और फिर संकीर्तन में भाग लेना पड़ेगा वृंदावन में, तभी जाके वो जो है गोलोक वृंदावन जाने के लिए वो जो है अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो चैतन्य महाप्रभु की कितनी कृपा है कि वो गोलोक वृंदावन जो का जो ये द्वार है पूरी तरह से हमारे लिए खुल गया है। केवल हमें इस पद्धति पे पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। परम पूज्य भक्ति चारु महाराज की जय। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो मैं एक दो प्रश्न ले सकता हूँ 5 मिनट के लिए। हरे कृष्णा, आप कैसे हैं बताइए। अरे कृष्णा महाराज, प्रश्न है। अनेक अनेक वर्ष बिताने के बाद भक्ति में और कृष्ण भक्ति का जो गहराई समझने के बाद एक डाउट आता है हमारे मन में कि ये जो सिद्धांत है बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, लेकिन हम समझ सकते हैं इसको कि कृष्ण भक्ति जो है सर्वोत्तम है, लेकिन फिर भी एक भय रहता है कि जो महाप्रभु ने जो स्टैंडर्ड रखा है, जो स्तर रखा है, हाँ वो कि गोलोक वृंदावन जाने का, क्या ये मुमकिन है कि हमारा शरीर छोड़ने से पहले क्या हमको कोई सिग्नल मिलेगा, कोई इंकित मिलेगा कि जिससे कि
कि हम जो है वापस नहीं आएंगे और हम गोलोक धाम पहुंचेंगे। महाराज बता रहे कि देखो आप ट्रेन में बैठे हो और मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, तो कभी कभी आप बैठे रहोगे और आपको लगेगा कि अरे कितना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर सही ट्रेन में बैठे हो तो सिर्फ ट्रेन में रहो और आप पहुंच जाओगे, बस चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो उसी प्रकार अगर आपने हमने यहाँ पर भी सही जगह हमको प्राप्त हुआ है, सही पद्धति प्राप्त हुआ है, तो कभी कभी हमको लगता है कि कोई शंका उत्पन्न होती है कि अरे क्या है, हम जाएंगे हमारा हम अपना है हम पहुंच जाएंगे कि नहीं, लेकिन हमें विश्वास रखना है, पेशेंस रखना है, धैर्य को रखना है, धैर्य को नहीं खोना चाहिए। और इस तरह से अगर हम रहेंगे इसी मार्ग पे बने रहेंगे तो हम पहुंच जाएंगे, इसका जो है गारंटी है। नरदेह माध्यम गुरु कर्ण धारम, ये जो मनुष्य शरीर जो है एक बोट की तरह है, और उस नाव में जो आध्यात्मिक गुरु है वो जो है कैप्टन है, कर्णधार है, और ये कैसे प्रवाह हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये भगवान के शब्दों से जो कि वारा वायु की तरह है। और एक ऐसा एक पेंटिंग है जो नाव है, और उस नाव का जो ध्वज है उसमें इस्कॉन करके लिखा हुआ है, और वहाँ पर एक जो है वायु प्रवाह हो रहा है जो हरे कृष्ण मंत्र का, और भक्त जो है वो जप कीर्तन कर रहे हैं, और उसके ऊपर वो नाव के ऊपर, और प्रभुपाद जो है उसको चला रहे हैं। तो ऐसा बोट है ये हमारा, तो हमें क्यों चिंता करना है। तो फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं कि समस्या ये है कि ये जो है भौतिक जगत जो है बहुत ही कष्टदायक है, और बहुत ही कृपा की वजह गहरी कृपा की वजह से हमको जो है ये जो मार्ग मिला है। अगर तो हमको लगता है कि अगर समझो इतना सब प्राप्त होने के बाद अगर हमको परम सिद्धि जो परम लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हुआ तो फिर से हमको इस भौतिक जगत में आने पड़ेगा, तो क्या है फिर, इस तरह से हमको चिंता रहता है। तो प्रभु महाराज बता रहे हैं कि हमें सिर्फ शिष्टाष्टकों के जो श्लोक है उसको हमें स्मरण रखना है। जन्मनि जन्मनीश्वरे अर्थात भक्ति किश्वे, कि चाहे हम बार बार जन्म क्यों न ले, महाप्रभु कहते कि चलेगा बार बार जन्म लो चलेगा, लेकिन खाली एक ही प्रार्थना करो कि हमेशा हमारे अंदर भक्ति रहे। तो प्रभुपाद ने बताया कि जो शुरुआत में तो हमको मुक्ति की कामना करनी चाहिए, लेकिन आप जब और आगे अध्यात्म में प्रगति करते हो तो आपको जो है ये भौतिक जगत भी अच्छा लगने लगेगा, है ना। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा जगह है, कितने जो है जेल जेल में लोग फंसे हुए हैं उनको प्रचार करना चाहिए, है ना, उनको मुक्ति दिलाना चाहिए। तो यह भगवान की सेवा करने को कितना आनंद है, इतना मजा है इसमें। इस तरह से एक आध्यात्मिक या प्रगत जो भक्त है वो इस तरह से सोचता है। तो अगर हम कितने बार भी जन्म ले तो क्या फर्क पड़ता है, जब तक मैं अगर भक्ति करूं तो बस हो गया, है ना। और इस तरह से हमें सोचना चाहिए। फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो है ये जो अनर्थ हमारे जीवन में होते हैं उससे वो कभी निकलते नहीं, बहुत बार हमारा स्ट्रगल मतलब हम युद्ध करते रहते हैं। कि तो महाराज बता रहे कि भक्ति जो है अगर हम अच्छी तरह से करेंगे तो अनर्थ निकल जाते हैं। तो क्या जरूरी है कि हम बहुत ही अच्छे लोगों के संग में जो है भक्ति करना चाहिए। तो मुझे आप हमारे लिए ही आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, बाकी लोगों के लिए मुझे मालूम है कि आप जो है भक्ति में स्थिर है। और एक देखो मुझे अभी जाना है, तो अभी प्रश्न नहीं, तो सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ठीक है, आपने प्रश्न पूछ रहे हो तो और एक प्रश्न पूछो। तो हमने देखा कि बहुत सारे वर्षों से हम आपको देख रहे हैं कि आपके अंदर जो है बहुत ही स्थिरता है भक्ति में। तो मुझे आपसे एक निराकरण करना है कि इतने वर्षों से आप जो है, हम देख रहे हैं कि पहले पहले से आप जो अभी मतलब आयु बढ़ रही है आपकी, हाँ, तो फिर वैसे ही समस्या हमारे जीवन में भी आ सकता है, लेकिन आपके अंदर जो है उत्साह जो है भक्ति का, वो कभी कम ही नहीं हो रहा है, जितने और भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे अंदर भी अगर हमें ऐसा रखना है तो क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ बहुत ही साधारण शब्दों में कि अगर हम जो है हमारा जो श्रील प्रभुपाद जिन्होंने हमारा जीवन को जो है उन्होंने संभाला, हाँ, और सुरक्षित कर दिया, हाँ, तो ये जीवन जो है केवल प्रभुपाद का है। बस लास्ट मतलब अंतिम क्षण तक जो है प्रभुपाद जो है कृष्ण भक्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, और तभी भी वो जो है अनुवाद कर रहे थे। तो ये सब जो है, अगर हम प्रभुपाद को पूरी तरह से डेडिकेटेड रहेंगे, समर्पित रहेंगे, तो सब कुछ संभव हो सकता है, क्योंकि जो हमको प्रभुपाद ने दिया है उसके लिए हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, और हमेशा जो है उनके इस आंदोलन में बने रहना है। जब आप वृद्ध होते हो तो जो बाहर जो है आपका जो जिम्मेदारियां कम होने लगती है, लेकिन इस्कॉन में जैसे जैसे आप वृद्ध होने लगते हैं उसमें आपका जिम्मेदारी और बढ़ने लगता है ना? तो क्योंकि यहाँ पर आनंद है इसलिए तो उत्साह है। ओके, और एक प्रश्न ला, जो अंतिम प्रश्न होगा, और एक कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। तो एक प्रश्न पूछ रहे हैं प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि जो जेलर जेल के अंदर रहकर जो कैदी भी वो जो है प्रीचर बन जाते हैं, प्रचार कारक बन जाते हैं। तो अभी हमें और एक बात आपने बताया कि वेदों के जो अलग अलग जो ज्ञान है वो इतना सब उसमें पूरी तरह से जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो अलग अलग जो है स्तर के भक्त होते हैं, जैसे कनिष्ठ, उत्तम और मध्यम। तो जो कनिष्ठ, तो मेरा प्रश्न ये है कि कैसे हम समझे कि हम तो ज्ञान को हमें स्वीकार करना है कि नहीं, कि क्या है? महाराज बता रहे हैं कि भक्त जो है वो नम्र रहते हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी। तो हमेशा भक्त जो है वो यही सोचता है कि मैं जो है मैं घास के तिनके से भी छोटा हूँ। वो कभी भी वो अपने आप को जज नहीं करता, लेकिन कृष्ण जो है वो डिसाइड करते हैं, वो निश्चित करते हैं कौन क्या है। तो जितना आप आगे बढ़ेंगे आप उतना आप साक्षात करेंगे कि आप कितना आप जान और भी आपको आगे बढ़ना है, आप कितने छोटे हैं। तो ये अध्यात्म का एक मतलब अपने आप एक सिद्धांत है ये। तो भक्त जब आगे बढ़ता है तो वो सोचता है कि अरे मैं अभी तक भक्त नहीं बना। जब व्यक्ति द्वारका में एक व्यक्ति था, बहुत ही महान भक्त था, तो जब नारद मुनि ने सुना कि वो कौन है, तो द्वारका में नारद मुनि जाके उनसे मिलना चाहते थे।
लेकिन वो था कौन? उद्धव था। अभी वो उद्धव जो है वो क्या सोच रहा था कि वो वृंदावन के घास के तिनका बनना चाहता था, ताकि गोपियों का जो चरण कमल जो है वो उनके ऊपर गिरे। गुलमलता वृंदावन का वो गुलमलता बनना चाहता था। एक छोटा सा घास का तिनका या एक छोटा सा पौधा बनना चाहता था, ताकि जो है गोपियों का जो चरण के धूल जो है उनके ऊपर गिरे। तो ये उद्धव का स्थिति था, है ना। तो वो सोचता था जब ये गोपियाँ दौड़ती थी कृष्ण से मिलने के लिए, तो वो जब वो उनके ऊपर चरण रखते रखते रखेंगे तो वही मेरे लिए परम सिद्धि है। तो इसीलिए बोलना ये है कि आपको सही मार्ग मिल गया है तो बस उसको पकड़ के रहिए। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरी, बस गाय अनेक जन्म क्यों ना लेना पड़े। तो अनेक जन्म तो वैसे ही व्यर्थ हुआ है हमारा, तो अभी ही जन्मों से अभी जाने वाले जितने भी जन्म है अभी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो ये हमको समझना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शीला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद श्रील परम पूज्य भक्ति चारु महाराज की जय।